सभासद माननीय सभापति जी। क्वेश्चन 166। क्वेश्चन 166। विवरण सभापति जी। सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर इन हिज रिप्लाई हैज सेड that the horticultural crops are not under this, but however the PMFBY which have been covered and under the weather based crop insurance schemes, on some crops there is no crop insurance scheme at all. What are the differences, what are the reasons for the differences? There is a terrible anomaly between the two insurance schemes, as a result of which there is tremendous confusion amongst the farmers. And some of the state governments have not taken up this scheme at all. Can he please clarify what are the reasons that some of the states have not taken up this? And is there an intention of the government to subsume both these schemes under one to reduce the confusion at the ground level for the farmers? Thank you. Mahoday, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. और पहले से भी जो कृषि फसल बीमा योजना थी उसके तहत जो उपज की फसलें हैं उनके बीमा का प्रावधान है और राज्य सरकार को ही तय करना है कि उसके राज्य में किस किस प्रकार की फसलें हैं, ये तय करने का राज्य सरकार को अधिकार है। लेकिन उपज से संबंधित, चाहे वो वाणिज्यिक हो चाहे बागवानी का हो, लेकिन जो दीर्घकालीन बागवानी है उसके लिए मौसम आधारित बीमा है, योजना देश में चलता है और कई राज्य सरकारें मौसम आधारित बीमा के तरह जो चिर अस्थाई बागवानी है, जैसे सेब है, आपने सवाल पूछा है सेब के विषय में, पंजाब की सरकार ने सेब का मौसम आधारित बीमा योजना के तहत किया है। इसी तरह से कई राज्यों ने, आंध्र में भी आप देखेंगे कि मैंगो का फसल बीमा इस वर्ष आंध्र की सरकार ने आम का बीमा भी मौसम आधारित बीमा योजना के तहत किया है। ये प्रावधान बहुत स्पष्ट है। वन मिनट। यू विल, यस, सेकंड क्वेश्चन। क्लैरिटी ऑन दिस सर, आपने पीएमएफबीवाई पे 90% यू हैव गिवन द सब्सिडी ऑन द प्रीमियम, वेयर इज ऑन द वेदर बेस्ड यू हैव गिवन ओनली 50%। तो इतना फर्क क्यों आया हुआ है दोनों पे? और क्या आप ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप वेदर की वजह से इफेक्ट होते हैं तो उनका हालात क्या होगा अगर आप इतना डिस्क्रिपेंसी रखेंगे 90% इन वन एंड 50% इन वन? उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। माय सेकंड क्वेश्चन इज, थैंक यू, मैं जो प्रीमियम का रेट है वही रेट मौसम आधारित बीमा योजना पर भी है, दोनों के प्रीमियम में कोई अंतर नहीं है। जो संशोधित किया गया है, जब कृषि बीमा योजना संशोधित करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया और प्रीमियम की दरें कम की गई, तो मौसम आधारित जो बीमा योजना है उसमें भी प्रीमियम के दर को कम कर दिया गया। और मौसम आधारित इसमें सब्सिडी अलग है, सब्सिडी इसमें नहीं, प्रीमियम एक ही है, सब्सिडी फर्क है। सब्सिडी इसमें नहीं दिया जाता है, इसमें मुआवजा दिए जाते हैं। लाख जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है फसल बीमा योजना के तहत लागत का की भरपाई की जाती है। पहले दोनों के अंदर एक कैपिंग था, उस कैपिंग को भी हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की पूरी भरपाई की जाएगी, ये संशोधित हुआ है। Thank you. Now, no, you can't have a discussion on this. You have asked a question, he has answered it. Sharad Yadav ji. Thank you. If you are not satisfied, please follow the procedure. Sharad ji, please. Sir, you have asked two questions. Then don't get into an argument. Please listen to the answer. And if you want to ask your second question, please ask a second question. Please. If a wrong answer is given, you know the procedures about it. Yes, sir, second question. Sir, climate change ke wajah se
ड्राउट होता है, साइक्लोन होते हैं और मॉनसून की डेफिशिएंसी भी होती है। इसके वजह से नारियल, जो आंध्र प्रदेश, केरल एंड ऑल दी स्टेट्स हैव बीन इंपैक्टेड डेस्परेटली। नॉट ओनली दैट, इसमें अलग सा बीमारी भी हो गई है जो नारियल को इफेक्ट किया है। इसके वजह से नट प्रोडक्शन काफ़ी गिर गई है। हालांकि हम अपने बच्चों को भी वी गिव कोकोनट वाटर एज ओरल रिहाइड्रेशन। नाउ व्हेन दिस इज हैपेंड सर, कोकोनट इज कवर्ड अंडर द कोकोनट पाम स्कीम अंडर विच द प्रीमियम इज डिटरमिंड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिक ब्लॉक लेवल विच दे यूज, नट यील्ड एंड द एज ऑफ द पाम। नाउ दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग फैक्टर्स। What's the question? Compute. My question is, will the Honorable Minister, sir, take into consideration that they will bring this crop under PMFBY Thank you. To facilitate the farmers? Thank you. Coconut farmers. निश्चित रूप से इसमें यदि कोई विसंगति होगी तो हम दूर करेंगे। Thank you. श्री शरद यादव। श्रीमान, जो फसल बीमा योजना है उसमें किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें पैसा काटते हैं, और फसल की बर्बादी जब हो जाती है तो किसान को ये मालूम भी नहीं है कि किस इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, किस तरह से फसल बीमा या बर्बादी हुई है उसको कहाँ से लेना है, और इस मामले में कितना पैसा। मैं आपसे अंत में एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये फसल बीमा पर किसान क्रेडिट कार्ड से, कोऑपरेटिव से कितना पैसा पूरे देश भर में भारत सरकार किसान से लेती है। और सुनिए, कृषि मंत्री जी से मैं कहूँगा कि मैं बड़े धरने में गया था, और किसान को जब फसल या किसी तरह की बर्बादी हो जाती है उसे मालूम ही नहीं है कि किससे ये मिलेगा, कौन से लेना है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन कौन सी है, यानी इंश्योरेंस कंपनी और बैंक किसान से पैसा ले रहा लेकिन उनको वापस करने का काम नहीं कर रहा। इसलिए टोटल अमाउंट आप बताएं कि किसानों से कितना लेते हैं और कितना, और क्यों किसानों को बताया नहीं जाता कि किस इंश्योरेंस कंपनी से उनको लेना है, यानी क्रेडिट कार्ड से जब पैसा काटते हैं तो इसके बाद उनको बताना चाहिए किससे लेंगे। ये जो कृषि बीमा योजना देश में चल रही थी इसमें बहुत विसंगतियां थी, उसको दूर करके पिछले खरीफ के सीजन से इसको स्टार्ट किया गया, और ये पहले जो ऋण लेते थे उनका प्रीमियम कटता था तो 15 के खरीफ में 3,09,00,000 किसान ने बीमा कराया था। इसमें मात्र 15,00,000 किसान ऐसे थे जो स्वेच्छा से अपना पैसा देके कराए थे, बाकी के सब जो ऋण लेते थे उसमें कट जाता था, आकर्षण नहीं था। बाहर के किसान जो ऋण नहीं लेते थे वो फसल बीमा योजना में भाग नहीं लेते थे क्योंकि इसमें कैपिंग थी। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा में बदलाव किया गया तो उसके बाद जो इस वर्ष जो खरीफ हुई नए फसल बीमा योजना के, इसमें 3,80,00,000 किसानों ने बीमा कराया, और इसमें 1,25,00,000 किसान ऐसे थे जो गैर ऋणी थे। इसका मतलब कि ये योजना आकर्षक योजना है, उसका एक उदाहरण है। दूसरा, बीमा कौन कंपनी करे, किस किस फसल का बीमा हो, ये राज्य सरकार टेंडर करती है। 5 सरकारी कंपनियां हैं, 10 प्राइवेट है, और राज्य सरकार टेंडर करती है, और जो भी इस टेंडर में शामिल होता है तो ये राज्य सरकार जितना पारदर्शी तरीके से करता है उतना ये अच्छा होता है। और कई जगह देखा गया, ये नई फसल बीमा योजना जब लागू हुई कि इसकी अंतिम तिथि 30 तारीख है, तो कई राज्य सरकारों ने, चूंकि इस बीमा योजना से राज्य खजानों पर बोझ बढ़ा है, भारत सरकार के खजाने पर भी और राज्य सरकार के खजाने पर, चूंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरा देना है, तो कई राज्य सरकारों ने पहले तो न लागू करने की बात की, कई ने लागू किया तो यदि 30 तारीख है तो 28 को नोटिफिकेशन करता है। अब 2 दिन का समय है, निश्चित रूप से जिस कंपनी को देगा किसान तक पहुंचना, सारी जानकारी जाना, एक कठिनाई होती है लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हमने सबका डेट भी बढ़ाया 10 दिन ताकि अधिक से अधिक किसानों के पास राज्य सरकार जाए, और राज्य सरकार के जो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के अफसर होते हैं, पंचायत स्तर पर भी फार्मर्स फ्रंट होते हैं, उनके सहयोग से बीमा कंपनियों से उनका संबंध बनता है, बैंकों से संबंध बनता है, तो हम इससे सहमत हैं।
कि कई राज्य सरकारों ने कम समय इसमें दिया, राज खजाने पर बोझ न पड़े, लेकिन जो जो किसानों का दबाव बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकार भी अब इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रही है। और जहां तक प्रीमियम कितना लिया गया इसका विवरण मैं निश्चित रूप से आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। ये तो पता चलना चाहिए कि जब किसान क्रेडिट कार्ड से या कोऑपरेटिव बैंक से उनका पैसा काटा जाता है, उसी समय उनको बताना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी या कौन से फसल बीमा मिलेगा आपको। ये बात जो है वो राज्य सरकार से बात करके, वहाँ हमारा किसान आंदोलन है चंद्रशेखर अलवर का है, महीनों से इसके संघर्ष कर रहा है, इसलिए कम से कम ये तो पता चले कि जब पैसा काट रहे हो आप तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। वो उन्होंने एक पहली बार पिछली खरीफ में योजना शुरू हुई है, और मैंने पहले भी बताया कि कई राज्य सरकार अंतिम डेट के दो दिन पहले यदि नोटिफिकेशन करेगी कि फलाना कंपनी इस जिला में जाएगी तो दो दिन में तो कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी हमने 10 दिन बढ़ाया। और हम राज्य सरकार से लगातार ये आग्रह करते हैं, बैठक करते हैं कि आप लंबा समय बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि कौन कंपनी किस जिला में करेगी, ताकि पर्याप्त समय मिल सके, जानकारी मिल सके। थैंक यू। थ्री श्री तुलसी। थैंक यू सर। अकॉर्डिंग टू द आंसर दैट इज गिवन, नाइदर पेरिनियल नॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक एप्पल कार्डमम आर कवर्ड बाय द बीमा योजना। It, the answer further states that in 2002 there was a committee which was appointed to go into the question of inclusion of these crops also under the Bima Yojana, and it was not found to be feasible in 2002. Are we to understand that since 2002 the present government has taken no steps to include these crops, perennial as well as horticulture crops, in the Bima scheme? Then what is the use of this scheme? Thank you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि कर्नाटक ने खरीफ 16 में टमाटो का भी फसल बीमा योजना के अंतर्गत लिया है, फिर इसी तरह मौसम आधारित बीमा योजना के तहत दिया है, इसी तरह से महाराष्ट्र ने प्याज को लिया है, मेघालय ने आलू का फसल बीमा किया है, तमिलनाडु ने आलू और टैपिका का किया है, और इसी तरह से आप देखेंगे कि कर्नाटक ने गुआभा, जिंगर, एसिड, लाइम, कई बागवानी फसलों का किया है, आंध्र ने टमाटो का किया है, बनाना का किया है, फिर केसू का किया है, मैंगो का किया है, तो ये सब शामिल हैं। जहां तक इलायची का सवाल है, ये मसाला बोर्ड के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि इनका भी जो मसाले के काम में आते हैं इनका भी शुरू होना चाहिए, तो अभी सितंबर 16 से मसाला बोर्ड ने पायलट प्रयोग शुरू किया है, और उस पायलट प्रयोग के तहत जो उसने चाय, कॉफी, रबर, मसाला और छोटी बड़ी इलायचियों का लगभग वो जिलों की संख्या हमको याद नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक मंत्रालय का है, तो एक मिनट सर, तो मसाला बोर्ड ने रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स ये योजना शुरू किया है मसाला बोर्ड ने पायलट प्रयोग के रूप में सितंबर 16 से, और इसके लिए प्लीज वो मैंने पहले बताया कि 12 मासी देखिए जो उपज से संबंधित पहले मैंने बताया जो उपज है उससे संबंधित जो अनाज है बागवानी है और जो चिर अस्थाई बागवानी है ये सब का या तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत या मौसम आधारित बीमा योजना के तहत ये हो रहे हैं, और हमने पढ़ के भी अभी बताया। थैंक यू सब। प्लीज डोंट इंटरप्ट। थैंक यू श्री राम नारायण डूडी। क्या प्लीज आप अपने अभी मंत्री जी उत्तर दे रहे थे फसल बीमा योजना के तहत, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि ये बीमा जो है वो काश्तकार का जो लोन लेता है या मतलब कैसे चीपे करते हैं, मगर उन काश्तकार जो मतलब अलग से बीमा करा रखा है फसलों का, और ये एक क्राइटेरिया कर दिया गया है कि मतलब इंडिविजुअल यदि
खेत में यदि कोई नुकसान होता है तो उनका बीमा नहीं मिलता, इन्हें कंपनियां देती है। ये प्रैक्टिकली मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या मंत्री महोदय ये आप जैसे एकदम कोई नाला फूट मतलब नेट टूट गई, नेट से मतलब सफाया हो गया, चाहे मतलब वो जीरा था, अजवाइन था, या मतलब मेथी थी, या रायडा था, गेहूं था, कोई भी था, तो उस पर मतलब एक तो नहीं होता। एक दिन खेत के अंदर सर्दी से फसल खराब हो जाती है, और जो मतलब एक निश्चित पॉकेट के अंदर, तो ऐसे में भी बीमा कंपनी है कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पूरे गांव का क्राइटेरिया है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति का अपना बीमा होता है और उनको व्यक्ति को मतलब बीमा मिलता है, क्लेम मिलता है, वैसे काश्तकार को इंडिविजुअल खेत का बीमा या मतलब क्लेम मिलने का कोई प्रावधान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं पूछना। थैंक यू। का अनुभव पुराना ठीक है कि यदि ओलावृष्टि हुई और किसी गाँव के चार खेत में ओला पड़ गया, उसको फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता था। बाढ़ आई, पांच किसान का खेत कट गया, कोई स्थानीय आपदाएं आई और एक गांव में कुछ किसानों का यदि नुकसान हुआ तो उसको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो नई फसल बीमा योजना आई है उसके अंदर बहुत साफ है कि स्थानीय आपदाओं में खेत बार भी यदि नुकसान होता है तो उसका बीमा दिया जाएगा। और पूरे बीमा में ये भी व्यवस्था की गई है कि फसल कटने के बाद, पहले फसल कट गया और उसके बाद यदि आपदा आ गई तो उसके बीमा की राशि नहीं मिलती थी, लेकिन 14 दिन तक, फसल कटने के बाद 14 दिन तक भी यदि आपदा आती है और उसका नुकसान होता है तो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दिया जाएगा। ये नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यवस्था कर दी गई है, खेत बार भी और कटाई के बाद। थैंक यू। क्वेश्चन 167। क्वेश्चन 167 सर। यस, लेट द आंसर बी गिवन। Supplementary, please. Sir, in the reply, the Honorable Minister has very tactfully denied the adverse effects of demonetization on the farmers, but he is compelled to admit it in the later part of his reply, and that's why he has announced some remunerative measures and incentive measures to the farmers as a compensation. Now, my question is that the Honorable Minister has announced that the grants of interest, waive to waive only the grants of interest. So that too only for 2 months, that is only for November and December. Now my question is, in comparison to the great damages to the farmers, this grant of interest waived for 2 months is nothing. So we have demanded the waive of loan, not only grants. So now my question is whether the minister will declare the waive of loan instead of only the interest and that too for 2 months. Waive of loan to all the farmers. I want to know from the Honorable Minister. Thank you. Mani Sabhapati Mahoday. विमुद्रीकरण के बाद ये सवाल उठना शुरू हुआ कि किसानों का नुकसान हो रहा है, तो उस समय भी हमने कहा था कि हमारी बुआई इसी पीरियड के पिछले सीजन के तुलना में ज़्यादा हुई। फिर भी हमने किसानों को राहत देने के लिए जो योजनाएं चलाई थी, पहली योजना तो ये थी कि वो 2 महीने तक 500 और 1000 के नोट से वो जितने आप बीज बिक्री का भारत सरकार या राज्य सरकार की दुकान है वो नोट उनको लिया जाएगा, उस नोट पर बीज दिया जाएगा। इसका अच्छा असर हुआ और बुआई 7% की वृद्धि भी हुई, लेकिन फिर भी कुछ असर यदि पड़ा है तो हम अभी तक भारत सरकार की ओर से 3% का ब्याज सहायता देते हैं। तो उस 2 महीने के अंदर यदि किसान पर थोड़ा कुछ कठिनाई होगी, नुकसान हुआ होगा, तो 4% वो भी जो देता है उसको भी माफ कर दिया, और कैबिनेट ने इसके लिए 650 करोड़ रुपये की का अनुमोदित किया, और हमने बैंकों को मैं कहा कि किसान के खाते में 2 महीने का पूरा ऋण जो 4% वो देता है वो राशि भी डाल दो, और ये किसान हित में किया गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न सर, सेकंड सप्लीमेंट्री एट पेज 3 पैरा रोमन 6, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज declared
that it extension of cut-off date for submission of premium proposal for cash crops under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So this is also, sir, it is very negligible. Only, sir, this has been extended only for 10 days. That is, that too, sir, from 15 December to 31 December. Within this time, the farmers whose premiums are due, only they have been extended for 10 January, that is only for 10 days. It is very, very meager, sir, in comparison to the damages. So now my question to the Honorable Minister is whether the minister will cover all the crops and all the farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and all the states. Thank you. In my state, sir, 1 minute. No, you have asked your question. Don't give commentary. In my state, Assam, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has not yet been implemented. So my question to the Honorable Minister, whether it will be covered to all the states. Yes, yes, don't all repeat the farmers your question. And all the don't crops. Repeat your question, please. Yes, please go ahead. मैंने पहले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि पहले जो किसान ऋण लेते थे तो बैंक उनका प्रीमियम काट लेता था, इसलिए उनको तो बीमा कराना उनकी नियति थी, लेकिन कैपिंग के कारण पूरा भरपाई नहीं होता था, इसलिए गैर ऋणी किसान का आकर्षण उसमें नहीं था। तो जो नई फसल बीमा योजना आई तो आकर्षण बढ़ा और 15 के खरीफ में यदि 15 लाख गैर ऋणी कराए थे जाकर, तो 16 के खरीफ में 1.25 लाख गैर ऋणी लोगों ने अपने से प्रीमियम जमा करके कराया। ये हमारा राज्य सरकारों से आग्रह है कि कम अभी 30% जो किसान हैं इसके कवर करते हैं और हम उसको 40% पर ले जाएं, 50% पर ले जाएं। ये राज्य सरकारों से मिलकर हम इसका अधिक से अधिक प्रचार कराना, प्रसार कराना, और राशि भी हमने बढ़ाई है। 5,000 करोड़ का था, इस बार 9,000 करोड़ बजट में किया है। तो हमारी इच्छा है 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन 50% किसानों को भी कम से कम सुरक्षा कवच प्रदान हो जाए। जहाँ तक बीमा की तिथि बढ़ाने की बात है, आपके ध्यान में होगा कि हम लोग भी जब बीमा कराते हैं ना, तो मरने का दिन यदि तय हो जाए तो कोई बीमा कंपनी हमारी बीमा नहीं करेगा। इसलिए बीमा का मतलब है कि पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी, तो बीमा होता है। तो इसी तरह से फसल बीमा के लिए एक तिथि निर्धारित होती है, लेकिन राज्य सरकार भी आग्रह करती है और इस बार राज्य सरकार कुछ ने आग्रह भी किया और हमने स्वयं देखा कि विमुद्रीकरण का था तो 10 दिन के लिए तिथि पूरे देश भर में बढ़ा दी गई थी। थैंक यू। श्री के राकेश। ऑनरेबल मिनिस्टर, इन द रिप्लाई एनलिस्टेड न्यूमरस रिलीफ मेजर्स टेकन फॉर फार्मर्स आफ्टर डिमोनिटाइजेशन, बट आई थिंक द ऑनरेबल मिनिस्टर इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स that the farmers had destroyed their crops, especially perishable crops like vegetables, fruits and even milk throughout the country. Sir, irrespective of all such measures which was enlisted by the Honorable Minister, why all such unfortunate things had happened, and whether the government is, the minister is aware of the fact that all such steps taken by the government was in vain, it were ineffective, whether the government is aware of that fact. Thank you. बिक्री मूल्य मांग और आपूर्ति के बाजार के जो कारक हैं और जो उत्पाद की क्वालिटी है और फसल मौसम द्वारा ये निर्धारित होते हैं, लेकिन जहां तक ये इनके बाजार भाव का सवाल है, टमाटर, आलू, प्याज, सरसों, तो जो एपीएमसी है, कृषि उपज मंडी है, उसका जो थोक मूल्य क्या रहा इस पीरियड में, ये हमने इसके अंदर जवाब में दिया है। और मुझको नहीं लग, कुछ इलाके में हो सकता है क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये जो थोक मूल्य बाजार का था ये हमने ले किया है, आप उसको देख सकते हैं। श्री लाल सिंह भटोडिया।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्याज, टमाटर, बैंगन, मिर्ची जैसे सब्जी जो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखे जाते और जब उसकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है तो इनका खर्चा भी नहीं निकले, इसकी कम दामों में वो बेची जाती है, तो उसी समय क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि उसको पोषण सम भाव मिले और किसान को घाटा नहीं हो? थैंक यू। तो ये जो खरीद का है, सरकारी खरीद का, हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी के मंत्रालय से मूल स्थिरीकरण फंड है और इस फंड का के माध्यम से ये नई सरकार आने के बाद इस फंड की स्थापना की और इसके माध्यम से हम खरीद करते हैं जिसका समर्थन मूल्य है तो उसको हम खरीदते हैं। और अब राज्यों के अंदर भी मूल स्थिरीकरण फंड का निर्माण शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश को 25 करोड़, तेलंगाना को 9 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 5 करोड़ की राशि राज्य मूल स्थिरीकरण फंड स्थापित करने के लिए दी गई है। ये राज्यों से बात हो रही है, हमारे मंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में और राज्य से बात करके लक्ष्य है कि सभी राज्यों के अंदर मूल स्थिरीकरण फंड स्थापित हो जाए। इसके अलावा हमारी दूसरी योजना है बाजार हस्तक्षेप योजना। जैसे आलू की कीमत कम हुई, आलू की कीमत यदि कम हुई, प्याज की कीमत कम हुई तो यदि 10% ज्यादा उत्पादन हो गया और 10% दाम नीचे आ गया तो राज्य सरकार ये प्रस्ताव बनाकर देती है और हम उसको मंजूरी देते हैं तो उसके तहत भी खरीद की जाती है और की गई है। पूरा विवरण आप चाहे तो हम दे सकते हैं। तो और एक तीसरी योजना है, एक तो मूल्य समर्थन योजना और एक बाजार हस्तक्षेप योजना। और मुझे खुशी हो रही है कि इन दोनों योजनाओं का अब मूल्य स्थिरीकरण भी नई योजना है, वो दोनों पुरानी योजना है लेकिन एक बंद पड़ी हुई योजना थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष के अंदर इन तीनों योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है और उसका पूरा विवरण यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उपलब्ध करा सकता। ठीक है, श्री रंजीव बिस्वाल। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिनाइड द इफेक्ट ऑफ डिमोनिटाइजेशन ऑन फार्मर्स बट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा सर देयर इज अ स्पेट ऑफ farmers suicide due to falling price of crops. Is the minister aware of that? And is he thinking of making it compulsory to insure the farmers? That's my question. Thank you. Nice. देखिए, जहां तक मूल्य का सवाल है, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री से आंकड़ा इनके पास होगा, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, जब मैं दिल्ली से बंगाल जाता हूं तो 100 किलोमीटर दाएं और बाएं जो आज समर्थन मूल्य है वो भी किसान को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई राज्यों के पास और खास करके जो 3-4 राज्य 5 राज्य हम देख रहे हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी, हालांकि मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों का पूरे का नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन कई राज्यों के पास उस राज्य में भी जितना राशन देना है उतना भी खरीदारी, इस पर विस्तार से कभी रामविलास जी बताएंगे। तो एक समर्थन मूल्य जो घोषित है वो भी किसान को नहीं मिल रहा है, इसको आप उसका जवाब दे दीजिए, फार्मर सुसाइड पे पूछ रहे हैं। जी जी, हमारी कोशिश है, हम राज्यों से बात करते हैं कि किसानों को अच्छा दाम जो है या समर्थन मूल्य है या दाम कमता है तो हमारी 3 योजनाएं हैं, इनका उपयोग करे और खरीदारी करे, किसानों को उचित मूल्य मिल सके। और जितनी योजनाएं किसान वेलफेयर की चलाई गई है उसका क्रियान्वयन तेजी से करे, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। वो पूछ ये रहे हैं फार्मर्स सुसाइड पे। मैं सर वही बता रहा हूँ कि फार्मर्स संकट आता है तब ये नहीं करता है, तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं? नहीं, अगर आत्महत्या कितनी हुई ये पता रहता कि आज है तो ये हम गृह मंत्रालय से, महोदय गृह मंत्रालय से जो अपराध है रिकॉर्ड ब्यूरो है उससे हम आंकड़ा लेते हैं, तो वो आंकड़ा हम मंगा के उनको उपलब्ध करा, वो आप मंगा के इनको दे देंगे। दैट्स एन अश्योरेंस गिवन बाय द मिनिस्टर। क्वेश्चन 168, इट्स एन अश्योरेंस, प्लीज सिट डाउन। 168 जी, लेट द आंसर बी गिवन। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं नहीं, पहले सवाल पटक ले। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। रेशमी शहर भागलपुर की हालत बहुत खराब है, वहाँ की बुनकर भूखमरी के कगार पर है। बुनकर जो है महाजनों से कर्ज लेकर कपड़ा तैयार करते हैं, कपड़ा तैयार करने तो सवाल पूछिए आप अपना। जी जी, कीमत सही नहीं मिल पाती, पूंजी और बाजार के अभाव में बदहाली की स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार ने 2016 में अक्टूबर में सर्वे का काम शुरू करवाया था, वो सर्वे का काम पूरा हुआ या नहीं? अगर पूरा हुआ तो उसकी जो नतीजे निकले उस पर सरकार कौन से कदम उठा रही है जिससे इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके? थैंक यू। माननीय सदस्य महोदय ने एक विषय उठाया कि भुखमरी के कगार में है, इसके उत्तर में राज्य सरकार के द्वारा हमने जानकारी जुटानी चाहिए। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सिल्क बुनकरों की भुखमरी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। और दूसरा विषय, चूंकि वास्तव में ये सत्य है कि भागलपुर के रेशम के बारे में पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत अच्छे प्रकार से भागलपुर की रहती है, मगर मैं वही कहना चाहता हूँ क्योंकि जो रेशम का काम है वो देश में मलबरी, तसर और एरी और मूंगा के रूप में होता है, और जो भागलपुर में जो उत्पादन है वो टसर का अत्यधिक, टसर पे ही काम होता है, और उस कार्य को करने के लिए लगातार उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। उस उत्पादन का भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से देश के अंदर है उसी प्रकार से बिहार और भागलपुर जो उसमें है, 2013-14 में जो टसर का कुल उत्पादन था वो पूरे देश में 2619 था और बिहार और भागलपुर में 32 मीट्रिक टन था, और इस बार का आंकड़ा दे रहा हूँ क्योंकि बीच के आंकड़े नहीं, और 2015-16 में 41 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा 2014-15 में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए भागलपुर मेगा क्लस्टर पर काम हो रहा है, जिसमें 5084 लूम वहां पर है, और 5084 लूम ये हमारे द्वारा स्वयं किया गया है। इस लूम में अगर हम लोगों के रोजगार की और उनके उत्थान की बात करें तो लगभग 10,000 लोगों को रोजगार की बात है, जिसमें 2,38,00,000 रुपया हमने दिया जा चुका है, और बाकी रेस्ट अमाउंट 1,60,00,000 रुपया वो इस मार्च के अंतिम में दे दिया जाएगा। ये माननीय सदस्य जी का उत्तर है, और एक विवरण भी हमने उसमें दिया, उसमें भी उसकी डिटेल्स है, अगर आप चाहें तो मैं उसको भी बोल सकती हूँ। दूसरा प्रश्न, जो सवाल किया है माननीय, उसका सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला, कोई सर्वे की बात नहीं बताई इन्होंने। दूसरा सवाल इनसे ये करना चाहती हूँ, वहाँ के जो बुनकर हैं उनके बच्चों के, इससे जुड़ा हमारा सवाल है, बुनकरों के बच्चों की सेहत और शिक्षा के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं? बुनकरों के सामाजिक सुरक्षा की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? उनकी भविष्य निधि या पेंशन या बीमा की कोई योजना अगर सरकार की है तो सरकार, या फिर जो रियायती ब्याज दर पर कर्ज देने की कौन सी योजना इनकी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि अगर कोई नई कोई गणना करनी है तो वो चौथी गणना हथकरघा की 17 अप्रैल से प्रारंभ होगी, उसके लिए वो एक और बता दे रहा हूँ, मैं आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा, आपने बोला है कि बुनकरों के लिए हमने 5 MOU साइन किए हैं, और वो बुनकरों के MOU हमने पिछले दिनों साइन किए, 2 एजुकेशनल MOU हैं जिसमें उनको 12वीं तक की शिक्षा के लिए उसमें स्टाइफंड की व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहन करने की व्यवस्था है, और उच्च शिक्षा के लिए भी उनको उनके उत्थान के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उस पर भी हमारे द्वारा सरकार के द्वारा MOU साइन किए गए हैं। और जो आपने बैंक की बात कही है तो बैंक में भी हमारा मुद्रा बैंक के माध्यम से वीवर्स के साथ हमारे MOU साइन है, और मुद्रा बैंक के माध्यम से उनकी जो लूनिंग होगी उस पर जो ब्याज पड़ेगा उसका 6% भारत सरकार स्वयं वहन करेगी। ये आपका दूसरा। श्री रामनाथ ठाकुर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत एक निश्चित अनुपात में बुनकरों को इस योजना का लाभ देने की सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, बुनकर मुद्रा ऋण योजना के तहत औसत प्रति व्यक्ति ऋण आय 23,000 रुपये से हमने बढ़ाकर उसको 50,000 रुपया कर दिया है,
इसके अंतर्गत भारत सरकार प्रति पात्र बुनकर को 10,000 रुपया मार्जिन मनी स्वीकृति देती है, और मैंने जैसा आपको बताया मुद्रा बैंक का ही, और 6% की रियायत दर पर ऋण दिया जाता है। बुनकर को ऋण प्राप्ति की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अभी तक देश में 20,129 बुनकरों को और 1,03.98 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, और विवरण अगर आप चाहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा। श्रीमती सरोजनी हेम्ब्रम, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जो टसर सेरिकल्चर सेक्टर में जो सर टसर सिल्क है, कई राज्यों में मगर सवाल रॉ मेटेरियल, सवाल सिर्फ एक जगह का है सर, भागलपुर का, रॉ मेटेरियल की कमी पड़ रही है, तो क्या रॉ मेटेरियल के लिए तो हैंडलूम वेयर्स के लिए उनको प्रोत्साहन के लिए राज्यों में ज्यादा से ज्यादा रॉ मेटेरियल बैंक खोलने का प्रस्ताव क्या रखा गया है, और जो आरआर जो पैकेज है हैंडलूम सेक्टर में, आरआर पैकेज का जो गाइडलाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें वो जो जितने सारे भी PWCS हैं वो इसका फायदा उठाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इसका गाइडलाइन का कोई रिलैक्सेशन करने का प्रस्ताव क्या रखा है? देखिए ये सवाल भागलपुर पे है सर, मैंने रॉ मेटेरियल के लिए सर पूछा है, रॉ मेटेरियल सिल्क के लिए सर, भागलपुर में जी बता दीजिए जी। माननीय सदस्य जी ने टसर से संबंधित रॉ मेटेरियल पर अपना प्रश्न पूछा है, और चूंकि मूल प्रश्न भी हमारी मातृशक्ति का है और अभी भी आपने पूछा है, ये वास्तव में एक टसर के रॉ मेटेरियल जो कोकन होता है, कोकन के जो बयान के रूप में लाते हैं, आपके भी ध्यान में होगा और आपके क्षेत्र में भी हो, बाकी किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी हो, तो एक बड़ी पहल हमने की है। क्योंकि जो ये बुनियाद रीलिंग मशीन करके इंट्रोड्यूस हुई है, माननीय सदस्य जो पूर्व में मूल प्रश्नकर्ता थे उनको भी बताया है, इसमें महिलाओं के द्वारा थाई रीलिंग के द्वारा ये किया जाता था और ये अमानवीय था, इससे महिलाओं का शोषण और अल्प आय की वजह से चिंता थी। हमने 8 मार्च 2017 को हमारी माननीय मंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, और जो रॉ मेटेरियल जो कूपन से यान बनना है उसके लिए एक हमने बुनियादी रीलिंग मशीन करके लॉन्च की है, आगामी 3 वर्ष में इसको हम 10,000 मशीनें पूरे देश के अंदर, चूंकि थाई रीलिंग हमने खत्म करनी है और इसकी वितरण करने की योजना है, क्योंकि प्रश्न आपका आपने रॉ मेटेरियल पर था, और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का पहले का सवालों का भी और जवाब देता हूं, क्योंकि उनके भी संज्ञान में आ जाए, अपने क्षेत्र में जाके बताएंगे कि 25,000 रीलिंग मशीन हमने भागलपुर में दी है, 251 बुनियादी रीलिंग मशीन। थैंक यू श्रीमती जया बच्चन, बट इज योर क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट? एब्सोल्युटली सर, मंत्री जी, थैंक यू सर। मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनवाए, इसमें से कितने काम, और जो आपने पैसे दिए इसमें से कितना काम पूरा हुआ है और पैसे का कितना इस्तेमाल हुआ वो बता दीजिए, सिर्फ भागलपुर की बात करें। मैं भागलपुर का बताना चाहता हूँ, जैसे आपने भागलपुर के लिए बोला है, 2014-15 में 17 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भागलपुर में मेगा क्लस्टर के विकास के लिए व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना है, जिसमें से विभिन्न हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में 9.676 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय लागत है, 10 ब्लॉक भागलपुर। इसीलिए सुन लीजिए आप डिटेल पूछ रहे हैं तो मैं डिटेल बता रहा हूँ, और भागलपुर की डिटेल बता रहा हूँ माननीय सदस्य जी। आप पढ़ रहे हैं मंत्री जी? नहीं, मैं इसमें डिटेल, मंत्री जी पढ़ रहे हैं प्लीज, अगर आंकड़े नहीं आप खत्म कीजिए अपना जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, जब आंकड़े पूछेंगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट है, तो अगर आप बोलेंगे तो प्लीज बोलिए अध्यक्ष जी। इसीलिए हमने 89.25 लाख रुपए की लागत से भागलपुर में डिजाइन स्टूडियो का उत्पादन बनाया है, और 49.95 लाख रुपए की बांका जिले में डाइंग हाउस बनाया है, और मेगा क्लस्टर में 2.38 करोड़ रुपया दिया भी जा चुका है, ये मैंने आपको अलग से और अवगत करा। थैंक यू। क्वेश्चन 169 जी।
सप्लीमेंट्री प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ परियोजना की प्रगति की निगरानी के तथा इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सचिव दूरसंचार की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति USOF के प्रशासक की अध्यक्षता में संचालन समिति तथा राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इस समितियों की गाइडलाइंस क्या है, इस समितियों में जो सदस्य काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है और उनके माध्यम से जो कार्य किया गया है उसका ब्यौरा क्या है? सभापति महोदय, 3 स्टीयरिंग कमिटीज बनाई गई हैं, एक DOT सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो हर एक महीने में एक बार बैठक जिसकी होती है, दूसरी USOF के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में, और तीसरी राज्यों में चीफ जनरल मैनेजर्स की अध्यक्षता में। तो NOFN का या भारत नेट का जो काम चल रहा है केबल ट्रेंचिंग का और ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का, उसकी प्रगति का विवरण, और हमने अब ऐप भी एक जारी कर दिया है जिस पर आने वाले 15 दिनों बाद हम देश को ये बताएंगे कितने ग्राम जुड़ गए हैं और कितने ग्राम लीड कर दिए गए। तो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग ठीक ढंग से, इसके लिए 3 समितियां बनाई गई हैं, और अब नाम बताना मुझे लगता उचित नहीं है। सेक्रेटरी DOT पहली कमेटी के अध्यक्ष हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी जो USOF के चेयरमैन हैं वो दूसरी कमेटी के अध्यक्ष हैं, और राज्यों में जो विभिन्न समितियां हैं उनमें चीफ जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी हमारे हैं जो उसके अध्यक्ष हैं। दूसरा प्रश्न, सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बाधा बनी हुई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR कम करने या समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने वाली है? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो मूलतः उससे हट करके ये पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। इन्होंने जानना चाहा है कि भारत नेट की जो परियोजना है और उसमें सरकार पूरी तन्मयता से लगी हुई है, पहले फेज में 1,00,000 ग्राम पंचायतों को हमें जोड़ना है जो मार्च अंत तक हम पूरा करना चाहते हैं, और मैं ये बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज लगभग 96,000 गाँव तक के ट्रेंचिंग का काम हमने कर लिया है, 78,000 से ज्यादा लगभग 80,000 ग्राम पंचायतों तक हमने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा दिया है। एक जीपान नाम का इक्विपमेंट है जिसके सप्लाई में देरी हुई जिसके कारण सभी ग्राम पंचायतों को हम लिंक नहीं कर सके, अब उसकी सप्लाई भी शुरू कर दी है। जो एक ही वेंडर था जिसने सप्लाई में देरी की उसको टर्मिनेट भी कर दिया है, और जो सुझाव सदस्य ने दिया उसमें निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया प्रभावी ढंग से काम करे, इस सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है टाइमली हम कंप्लीट करेंगे, 2,50,000 ग्राम पंचायतों को 2018 दिसंबर के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का प्राथमिक दायित्व है। ठीक है, श्री जयराम रमेश। दिस वाज वन ऑफ द प्रोग्राम्स दैट वाज स्टार्टेड बाय द UPA गवर्नमेंट एंड आई कंग्रेचुलेट द मिनिस्टर दैट बाय March 31st, 2017 something like 90,000 gram panchayats would actually be connected through optical fiber, and this is an achievement, and I think this shows that program started by one government can be continued by another government. So my question to the honorable minister is this: once the optical fiber has reached the gram panchayat, has some thought thinking started on how to provide connectivity to other points in the gram panchayat? Because the way this project was conceived, the optical fiber will reach the gram panchayat, that will be achieved, but beyond that, has the minister started thinking how the connectivity within the gram panchayat will be provided to other points and other consumers? Thank you. Maine bahut ek genuine prashn sadan ke samne rakha hai aur main mananiya sadasya ke dhyan mein baat lana chahta hu, keval thinking nahi hai, हमने निर्णय कर लिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 2 वाईफाई हॉटस्पॉट लगा करके 2 स्थानों पर हम ये कनेक्शन लोगों को देंगे ताकि उसका सीधा लाभ वहां के ग्रामीण जनों को मिल सके। श्री अजय संचेती। थैंक यू सर। सर, नागपुर से मुंबई ये महाराष्ट्र सरकार ने सुपर कम्युनिकेशन हाईवे बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है और लैंड एक्विजिशन भी तकरीबन होते आ गया है।
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या भारत सरकार फॉर प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी बैंड, ये ब्रॉडबैंड एंड एवरीथिंग, क्या उसके साथ में हैंड्स इन ग्लोव्स करके उसको तेजी से आगे बढ़ाने में भारत सरकार अपना योगदान दे सकती है? ये चरण है इस परियोजना का महोदय, उनमें राज्य सरकारों की सहभागिता के आधार पर ही हम शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने जा रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजेगी भारत सरकार के पास तो हमें खुशी होगी, और जो भी सहयोग भारत सरकार कर सकती है निश्चित रूप से वो करेगी। श्री निषाद। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कॉल ड्रॉप की शिकायतें रहती है, BSNL का नेटवर्किंग बहुत खराब है। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश से हैं और हम बधाई देते हैं, आगे भी उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभालेंगे, ऐसा चल रहा है। आप अपना सवाल पूछिए। उत्तर प्रदेश में कब तक फाइबर नेटवर्किंग करवा रहे, कितने अभी तक जोड़े गए, आगे क्या योजना है उत्तर प्रदेश में? माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों का विवरण जानना चाहा है, मैं इनको लिखित रूप से पूरा विवरण उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कार्य की प्रगति काफी अच्छी है, और जो प्रथम चरण में जो गांव लिए गए हैं उसमें से मुझे लगता है 80% वो काम हमारा पूरा हो गया है, शेष काम जल्द ही हम पूरा कर लेंगे। या तो मुझे उत्तर देने दीजिए या सवाल पूछिए, थैंक यू, बैठ जाए तो मैं बताऊं। दूसरा जो प्रश्न इन्होंने उठाया है, एक सवाल का जवाब दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन 170। सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, माय क्वेश्चन हैड थ्री पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? नो, द क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड हैड थ्री पार्ट्स। टू हैव बीन रिप्लाइड in the way that I can't ask any further questions on them, which was the special package which was initiated in 2016 of the duty drawback scheme. I had asked, and the reply is that there was 4,28,845 claims and 1,470 crores had to be paid back. In 6 months, this ministry has been able to only pay back 5,637 claims amounting to 29 crores. So if that is the speed they are going to work at, I have very little to comment on. The second question is, which was an answer to my question, sir, I have to say this, that the answer is that the budgetary provisions have finished and we still owe almost 60 crores. The first part was, sir, How is the ministry thinking of a major revamp? Because as the chair is aware, silence, that in the please. Last couple of years, Bangladesh has overtaken India in the export of garments, which of course causes tremendous amount of unemployment in our country. And those working in this sector are the vulnerable sections of our society. They lose their jobs, and I want to ask the Honorable Minister that he has enumerated 12 schemes which have been working for many years. Is the ministry thinking of some specific steps to be taken to modernize the infrastructure of the Ministry of Textiles all across? And what steps are being taken to help those people who work in these mills and factories, Thank and you. Their mills are closed? How many sick mills have been revived in the last 3 years? माननीय सदस्य महोदय ने काफी प्रकार की चिंताओं को एक साथ व्यक्त किया है, मगर प्रश्न के उत्तर में जैसा उन्होंने बोला है कि लंबित दावों की संख्या कुल जो निपटाए गए हैं वो 5,637 निपटाए गए हैं, ये आपने स्वयं अभी इस प्रश्न के उत्तर में है, मगर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जो ड्यूटी ड्रॉप का आपने ROSL का जो प्रश्न उठाया है, हमने ये योजना जो बोला है कि बहुत कम आई है संख्या, क्योंकि ये 20 सितंबर 2016 से लागू की गई है, अभी कुछ ज़्यादा समय हुआ नहीं है,
चालू वित्तीय वर्ष के बजटीय आवंटन 400 करोड़ रुपए का था, जिसमें 5000 से अधिक दावों को निपटारा गया है। 29 करोड़ रुपया आज की तारीख तक वितरित किया जा चुका है, जो आपने ड्यूटी ड्रॉट बैक के बारे में बोला है। इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए की राशि मार्च माह के अंत तक वितरित कर दी जाएगी और दावों को निपटाने में तेजी लाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्च माह में 400 करोड़ रुपए पूर्ण निपटाने के लिए राजस्व विभाग, चूंकि राजस्व विभाग के माध्यम से पैसे का के और ये सारी चीजें निपटाई जाती हैं, उनसे लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से है, चूंकि निपटार का जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है और वो उसी के माध्यम से ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। Read out the reply which I had also read out. Ask your second question. So what happened to my first? Please write to the chair that your question has not been answered. All right, sir. Sir, I want to be most... my second question is really a follow-up of if I've got an answer for my first question, which is demonetization has caused tremendous misery in this sector, which is one of the largest employers in our country. I know that in cities like Ludhiana and Amritsar, people who were working in hosiery mills lost their jobs overnight because there was no way they could be paid. They all faced destitution. So my question naturally comes, what are the special packages this ministry has to overcome calamities either imposed by the government, in this case of demonetization, to help those poor people who are working in sick mills, who have lost their jobs, who suddenly from one day to the other become destitute? You can't leave entire families of financially vulnerable people without a means of livelihood. What is the special package the ministry has? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसमें जो पुरानी स्कीमें थी वो स्कीमें सारी चल रही हैं और उन स्कीमों में हमने बजट का आवंटन भी किया है। आपने विशेष पैकेज की बात भी करी है, मैं आपके ध्यान में देना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 में वस्त्र मंत्रालय का कुल बजट 4598.84 करोड़ था, जो कि बढ़कर के 2017-18 में 6226.50 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो कि पुरानी योजनाओं के साथ साथ नए पैकेज के रूप में 6000 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन रोजगारों को और बढ़ाना, लोगों को रोजगार मिले और जो छोटे लोग जो बुनकर हैं, जो वीवर हैं, जो बाकी के और अपटल गारमेंट से जुड़े हुए हैं, जो बाकी सारा छोटे छोटे कामों को करते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार का इसमें योजना में है। आपके ध्यान में अवगत भी कराना चाहता हूँ कि भारतीय वस्त्र उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% और भारत की जीडीपी में 2% और देश के निर्यात में 13% योगदान देता है और लगभग पूरे देश के अंदर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी देता है। और इसी चूंकि जो आपने जो समस्या उस बात को उठाया है, इसमें परिधान और मेडअप क्षेत्र के रोजगार के सृजन के बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विशेष पैकेज दिया है और अगले 3 वर्षों में 1,11,00,000 लोगों को नौकरी सृजन करने के उद्देश्य से अपने गारमेंट्स में इसको हम इसमें चला रहे हैं, इस काम को बढ़ा रहे हैं और परिधान और मेडअप क्षेत्र में लगभग एटअप के तहत सब्सिडी के 15% को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। यह सब्सिडी आउटपुट आधारित है, अपेक्षित नौकरियों को सृजन करने के बाद 3 वर्ष के पश्चात समावित की जाएंगी। और आपके प्रश्न में लगभग जिस प्रकार से शंकाएं थे उनको मैंने करने का किया है, जैसे आपने ईपीएफ जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी हमने इसमें प्रोविजन किया है। पहले 3 वर्षों में ईपीएफ के पंजीकरण होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री परिधान रोजगार योजना के माध्यम से ईपीएफ में फैक्ट्री मालिक को ये लोड नहीं है, 12% ये सरकार स्वयं देगी, फैक्ट्री मालिक नहीं देगा। तो ये सारी चीजें बढ़ावा करने के लिए है और आपने अन्य अन्य बहुत सारी चीजें बताई हैं, अगर आप कहेंगे तो विभाग के, क्योंकि बहुत लंबा उत्तर है, आप कहेंगे तो सारा भिजवा दें। थैंक यू श्रीमती विजया सत्यनाथ। तमिलनाडु इज अ लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन द टेक्सटाइल सेक्टर। ईरोड, सेलम, करूर एंड नामक्कल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर टेक्सटाइल्स बेल्ट।
and out of that 2000 processing units in the Kaveri River near has discharged effluents. Our leader or late Honorable Chief Minister Prachitalivamma has announced a scheme for the rehabilitation of these units to achieve zero liquid discharge. We have sent 4 proposals. I am through you, Chairman. I wanted to know for the approval of 4 is awaited. The detailed project reports of Kadayampatti and Bhavani clusters have been sent to the Ministry of Textiles for the sanction of Government of India's share of funding under the Integrated Processing Development Scheme. Thank you. I would like to know from you, Chairman, whether these proposals to the estimate the project cost of 160 crores and rupees 92.21 crores have been approved by the Ministry of Textiles. Thank you. Thank you. Maniya Sadasya ji ne apne vishesh kisi kshetra vishesh ki baat ki hai. Maniya Adhyaksh ji, mera nivedan hai ki Maniya Sadasya ji ki baaton ko hum log sangyan mein le rahe hain. उसको जानकारी लेकर अगर 2000 तमिलनाडु में हमने 2000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है जिसमें स्वीकृत भी किया आपकी तरफ से पूरी दस्तावेज लंबित हैं उनको एक बार हम पुनः चेक करा लेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको देखें 2000 करोड़ रुपया लंबित रिलीज किया है भाई देखिए आपके जो प्रस्ताव दस्तावेज लंबित हैं उसको हम चेक करें आप वो इन्फॉर्मेशन लेके ऑनरेबल मेंबर को दे दीजिए किसी विशेष क्षेत्र का है उसको चेक करना थैंक यू श्री रापोलो मैं खुद बुनकर होने के नाते देश पर बुनकरों का दुख दुखत और व्यवस्था पूरा समझ सकता हूं चाहे जो टेक्सटाइल सेक्टर का भी हो चाहे पावरलूम का भी हो चाहे वो हथकरघा का क्षेत्र की भी हो सर textiles is being misconstrued as just a singular avocation and the production capacity but wherein textiles power looms handicrafts and hand looms are quite different my focus is on the power looms during the UPA time the question the please. Union budget has taken into the consideration the existence of the power loom sector and to promote the power loom sector with the reduced interest rates and the reasonable credit facilities to the power loom units with this demonetization and its aftermath Bhiwandi and Surat of Maharashtra and Gujarat what is the question lakhs of workers were displaced in this situation I would like to know from the Ministry of Textiles whether they are focusing on the power looms protection and whether they are going to protect the power loom weavers by providing the credit facility with the reduced interest rates thank you very much power loom ke bare mein jo ho bataiye mananiya adhyaksh ji mananiya sadasya mahoday ji ne power loom ke liye silence in the house please power loom ke liye jo chinta vyakt ki hai vastav mein power loom ki समस्या अलग प्रकार की है उसमें मास्टर्स लोग काम करते हैं कई मशीनें रहती हैं उसमें यान से संबंधित है पावर बिजली से संबंधित है कहीं बिजली की कटौती रहती है कहीं बिजली नहीं मिल पाती इसको अपग्रेड प्रश्न आने दीजिए प्रश्न का उत्तर आने दीजिए इसी समस्या को ध्यान में करते हुए हमने सौर ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हमारे पावर लूम किसी प्रकार से प्रभावित ना हो उसका रोजगार किसी प्रकार से बाधित ना हो उसको दिन की दिहाड़ी लगभग पूरी मिले उसका उत्पादन पूरा हो वो कहीं भी क्योंकि ये समस्या का समाधान हम शुरू करने जा रहे हैं मैं आपके ध्यान में देना चाहता हूं कि इस योजना को हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भी यही है कि पावर लूम में सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ये काम शुरू हो तो इसके लिए हमने 2 प्रकार की योजना बनाई है ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की योजना और ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट की योजना इसकी पात्रता उन्हीं इकाई जिनकी इकाई सेड है उनके लिए पात्रता है इसके लिए हमने जिसके पास 4 पावर प्लीज डोंट इंटरप्ट मिस्टर रापोलो प्लीज माननीय अध्यक्ष जी जो पावर लूम विल यू प्लीज स्टॉप इंटरप्टिंग प्लीज डू नॉट इंटरप्ट माननीय अध्यक्ष जी जिनके पास 4 पावर लूम है उनके लिए हमने 4 करोड़ 4,50,000 की स्कीम है जिसमें हमने सब्सिडी
जो अनुसूचित सामान्य जाति है उसके लिए 50% की सब्सिडी है, जो एससी के हैं उनके लिए 75% की सब्सिडी है, जो शेड्यूल ट्राइब के हैं उनके लिए 90% की सब्सिडी है। ये 4 लूम और 6 लूम और 8 लूम के लिए है। ये योजना हमारी जल्दी क्रियान्वित हो रही है, 1 अप्रैल से पूरे देश के अंदर लागू कर देंगे। ये आपका पावर लूम से संबंधित प्रश्न था, इससे हमारे क्वेश्चन आवर ओवर, हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टिल 2:30 PM।